से पूछा रहे हमारा। मैं पियानो बजाती हूँ, डांस करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ और खाना बनाती हूँ कभी कभी, क्योंकि ये इसमें ही बहुत टाइम जाता है। बट जब और टाइम मिलता है तो खाना बनाती हूँ, और भी ज़्यादा टाइम की लग्जरी मिली तो दोस्तों को मिलती हूँ। ट्रैवल करना मेरा इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। तो ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं 5 साल तो रशिया में रही हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक मॉस्को बहुत स्पेशल है, और अगर मुझे वापस जाने का मौका मिले एक्स्ट्रा स्पेशल होगा। सो मॉस्को। जब घर जाती हूँ तो मोस्टली मैं सबसे पहले खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत अजीब आदत है कि मैं जब बाहर किसी इवेंट पे होती हूँ या शूट पे होती हूँ या शो पे भी होती हूँ, तो मैं वहाँ कुछ नहीं खाती हूँ। मेरे को बस ये होता है कि मुझे बस वापस होटल रूम पहुँचा दो, या मेरे को घर जाना है वापस, और फिर आके जो फ्रिज खुलता है ना, बस फिर बंद नहीं होता उसके बाद में। पसंद तो सब कुछ ही है, मतलब जो फूडी होते हैं उनको सब पसंद होता है, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, बटर चिकन, बिरयानी, स्नैक्स, अंडे, कुछ भी, सब चलेगा, बट जस्ट टेस्टी होना चाहिए। दाल खिचड़ी भी इतनी बढ़िया होती है, हम लोग शो के बाद सूप भी पी लेते हैं, सब इनकमिंग होना चाहिए बस। फ्रेंड्स एंड फैमिली, वही ज़िंदगी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब एक दो वो हैं, वो सांप वहाँ पे, कीड़े मकोड़े टाइप्स, वैसी चीज़ें, चूहे वूहे, वो सब। एक्चुअली दो चीज़ें, चूहे और नीडल्स से मुझे बहुत डर लगता है। तो जब ये लोग बोलते हैं ना कोविड टेस्ट कराओ, हम लाइक हाँ ग्रेट, बोलते ब्लड टेस्ट कराओ, हम लाइक हेलो सॉरी एक्सक्यूज मी व्हाट। तो नीडल्स से मुझे बहुत डर लगता है, सुइयों से, सुई से। जब लोग झूठ बोलते हैं, अगर आप यहाँ से 1 घंटा दूर हो तो आप क्यों बोल रहे हो कि आप 10 मिनट में आ जाओगे? आप सीधे सीधे बोल दो 1 घंटा। सिंपल, वेरी सिंपल। हर म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट के साथ काम करना, हर एक के साथ में। दूसरी है पूरी दुनिया घूमना, टू ट्रैवल। एंड तीसरा इज़ टू स्प्रेड इतना लव, टू स्प्रेड लव इतना सारा कि यहाँ जो जो और मेरी ज़िंदगी में मुझे जो भी मिले हैं वो बाद में मुझे याद करके स्माइल करेंगे और प्यार महसूस करेंगे हमेशा के लिए, मैं रहूँ या ना रहूँ। बहुत सारे हैं, ऐसे लिस्ट स्टार्ट होगी तो शो ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे हैं। Creativity means magic. मैंने ए आर रहमान के लिए अभी तक नहीं गाया है, तो वो मेरी विश लिस्ट है। बाकी विश लिस्ट पर धीरे धीरे होता जा रहा है सबका, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ब्लेसिंग, एक एक करके होते जा रहे हैं, बट ए आर रहमान अभी तक हैं।
से पूछा रहे हमारा। कभी भी मुझे अगर वैसे मौका मिलता है तो मैं फिल्म्स बहुत देखता हूँ और मैं बहुत फिल्मी कीड़ा हूँ। बॉलीवुड के बारे में मुझे आई थिंक सब कुछ पता है। गुस्सा मुझे एक चीज़ से बड़ा आता है, जब जिसको म्यूज़िक के बारे में पता भी नहीं होता जब वो सजेशन दे रहा होता है। एक तो होता है कोई म्यूजिशियन सजेशन दे, एक होता है नॉन म्यूजिशियन, यू नो हेमंत डू दैट आना एंड ऐड सम सरगम्स इन दैट, जस्ट सिंग चिट्टियाँ कलाइयाँ एंड ऐड सम सरगम्स, यू नो दैट आई वुड डू इट। तो वो मुझे फिर गुस्सा आता है कि मैं इसको समझाऊँ कैसे। एक ही चीज़ है दुनिया में जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो है मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी। अगर कोई परफॉर्मेंस मैंने की है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि बहुत कमाल परफॉर्मेंस था और मेरे पापा सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरे लिए वो परफॉर्मेंस बेकार है क्योंकि मेरे फादर साहब। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ, वो मुझे आज भी थप्पड़ वप्पड़ रख देते हैं और मैं खाता भी हूँ बड़े प्यार और लिहाज के साथ, और फिर वो रुकते भी नहीं हैं, फिर वो दो चार और बढ़ जाते हैं। तो हाँ, मेरे फादर साहब। म्यूज़िक के अलावा मैं फ्लर्ट के बिना नहीं रह सकता। मैं फ्लर्ट बहुत करता हूँ एंड आई लव इट। फ्लर्ट कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है, अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आप इसको फ्लर्ट बोलो, कई लोग अंदर से करते हैं, कई लोगों की आंखों में छुपी होती है फ्लर्ट, उससे तो बढ़िया ही है। हम मुँह से कह देते हैं, कई लोग अंदर ही अंदर ऐसे देख रहे हैं, अच्छा। तो वैसा नहीं हमारा, हम कह देते हैं आप खूबसूरत हैं और वो फ्लर्ट बन जाती है, वो कहावतें बन जाती है। तो बस ये मैं इसके बिना नहीं रह सकता। वैसा कभी ऐसे सोचा नहीं, लेकिन हाँ, मुझे लाइफ में एक तो अच्छा सिंगर बनना है अपने पापा के लिए, एक बड़ा सिंगर बनना है। ऐसे तो बहुत सारी यार जो पूरी पता नहीं होंगी कि नहीं, प्राइवेट जेट भी खरीदना है, बड़ा घर में मथुरा में बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा और बड़ा, तो ये मेरा ड्रीम है। एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं कोलैब करना चाहता हूँ, ऋतुराज मोहंती, जो मेरे भाई भी हैं और उनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर वो मेरे साथ करेंगे तो मैं ज़रूर कोलैब करूँगा। सो ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं। मेरे लाइफ पे अगर कोई गाना बना तो वो ये है, कर हर मैदान वध। हालांकि मैंने ड्रग्स नहीं किए, लेकिन फिर भी मेरे फादर साहब से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और मेरे पापा का सपोर्ट हमेशा मेरे काफ़ी बैड टाइम्स में भी मेरे साथ रहा है। तो हाँ, कर हर मैदान फतेह, ये गाना मेरी लाइफ पे आधारित होगा क्योंकि हर मैदान फतेह। फन लविंग, सेकेंड इज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड काइंड हार्टेड। ऑल टाइम फेवरेट सिंगर इज सुखविंदर सिंह जी एंड सोनू निगम साहब। मुझे मेरे पापा कई बार हेमू करके बुलाते हैं, ऐसा कभी किसी ने बुलाया नहीं, कोई इतना प्यार से मुझे कभी ऐसा किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन कई फ़ैन क्लब्स हैं जो मुझे कभी कुछ बोलते हैं, हेमंत लियंस, कभी कोई नाम बना देता है हीमैंस, तो काफ़ी ऐसे नाम हैं जो लोग बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई निकनेम है नहीं। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग इज तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना।